एक बार पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा, हे देव, मेरे मन में एक प्रश्न उठता रहता है और वो प्रश्न ये है कि क्या गंगा जी में स्नान करने वाले सभी प्राणी निष्पाप हो जाते हैं? हम देखते हैं कि गंगा स्नान के लिए करोड़ों लोग मन में यही भाव लेकर जाते हैं कि चलो गंगा स्नान करके हम अपने आप को निष्पाप बना लें। क्या जब वे गंगा में स्नान करते हैं तो वास्तविक उनके पाप नष्ट हो जाते हैं? माता पार्वती का प्रश्न सुनकर भगवान शिव ने उत्तर दिया, देवी, जैसी जिसकी भावना होती है वैसा ही फल मिलता है। यदि इस बात को प्रत्यक्ष देखना चाहती हो तो चलो आज इस बात की परीक्षा की जाए। मित्रों, अब तो भगवान शिव और माता पार्वती इस बात की परीक्षा करने के लिए चल दिए। धरती लोक पर आकर दोनों ने अपने भेष बदल लिए। भगवान शिव ने एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप बना लिया और माता पार्वती ने एक बहुत सुंदर नवयुवती बन गई। पर्वी का दिन था, सारे श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। उन हजारों की भीड़ में भगवान शिव और माता पार्वती भी जा रही थी। अब तो एक बीमार बूढ़े व्यक्ति के साथ एक सुंदर युवती को देखकर सब लोगों की दृष्टि उन्हीं की ओर थी। पार्वती जी वृद्ध ब्राह्मण वेशधारी भगवान शिव का हाथ पकड़कर सहारा देती हुई चल रही थी। उन्हें देखकर कामी चंचल पुरुष लुभियाने लगे। कोई बोला, अरे देवी, तुम कहां इस बीमार वृद्ध के चक्कर में पड़ी हो? ये बेचारा दो चार दिन का मेहमान है, क्यों इसके लिए तुम अपना जीवन खराब कर रही हो? इसे छोड़ो और हमारे साथ चलो, हम तुम्हें महारानी की तरह रखेंगे। कोई कह रहा था, बेचारी की किस्मत फूट गई जो इस बूढ़े के साथ विवाह कर लिया। वे सब लोग अपनी अपनी भाषा में विचारों के अनुरूप ही कहते जा रहे थे। कोई कह रहा था, बूढ़े की किस्मत बड़ी अच्छी है जो इतनी सुंदर युवती से विवाह हुआ है। वे सब वे लोग थे जो गंगा स्नान को आ जा रहे थे। माता पार्वती जी उन सब की सुनती रही और अनसुना करती हुई आगे को बढ़ती चली गई और आगे जाकर भगवान शिव एक कीचड़ के गहरे गड्ढे में गिर पड़ी। पार्वती जी वहीं बैठकर रोने लगी। हजारों लोग उनके पास से गुजर रहे थे। पार्वती जी को रोता देखकर सब लोगों ने पूछा, तुम क्यों रो रही हो? पार्वती ने कहा, भाइयों, मेरा बूढ़ा पति इस गड्ढे में गिर गया है, इन्हें कोई निकाल दे तो भगवान उसका भला करेगा, लेकिन इन्हें वही प्राणी हाथ लगाए जो मनुष्य निष्पाप और पवित्र हो। पापी मनुष्य इन्हें छूते ही भस्म हो जाएगा। नवयुवती की ऐसी बात सुनकर सबको संशय हुआ कि अगर हम में भी कुछ अपवित्रता हुई तो कहीं हम भस्म न हो जाए। यही सोचकर कोई भी बूढ़े बाबा को उस कीचड़ से निकालने के लिए तैयार ना हुआ। असंख्य मनुष्य आए और चले गए। कोई युवती को देखकर हंसता था तो कोई बूढ़े को देखकर ठटोली करता था। कोई कोई तो यहां तक कह देता था कि कहां तू इस बूढ़े की आस में बैठी है, वो तो वैसे भी दम भर रहा है, पड़ा है तो पड़ा रहने दे, कोई निकालेगा तो निकाल देगा, मर जाएगा तो तेरा पीछा छूट जाएगा, इसे छोड़ो और हमारे साथ चलो। बहुतेरे श्रद्धालु हर हर गंगे पार्वती पते नमः का जयघोष करते हुए जा रहे थे, पर उस बूढ़े व्यक्ति को कीचड़ से निकालकर परोपकार का ध्यान किसी के मन में नहीं था। धीरे धीरे शाम हो गई। लाखों लोग गंगा स्नान करके लौट गए। कोई कोई तो यह सोचकर उस बूढ़े को निकालने को तैयार ना हुआ कि अभी अभी तो गंगा स्नान करके आए हैं, ऐसे में कौन इस कीचड़ में घुसकर अपने आप को अपवित्र करेगा। मित्रों, शाम के समय में एक सीधा साधा किसान गंगा स्नान करके लौट रहा था। किसान भी उसी रास्ते से आ रहा था जिस रास्ते में माता पार्वती बैठी रो रही थी। पार्वती जी को रोता देखकर किसान ने पूछा, बहन, तुम क्यों रो रही हो और इस गड्ढे में पड़ा व्यक्ति ये कौन है? पार्वती जी बोली, भैया, यह बूढ़ा व्यक्ति मेरा पति है। ये बेचारे सुबह से इस कीचड़ के गड्ढे में पड़े हैं, कोई भी इन्हें निकालने को राजी नहीं हुआ। यह सुनकर किसान ने प्रसन्न होकर कहा, बहन, चिंता ना करो, गंगा जी तो सब पापों का नाश कर देती है, मैं अभी अभी गंगा स्नान करके पाप मुक्त हुआ हूं, लाओ मैं इन्हें निकाल लूं। इतना कहकर किसान उस कीचड़ के गड्ढे में कूद गया और उस बूढ़े व्यक्ति को निकालकर बाहर ले आया। उसी समय भगवान शिव ने उस बूढ़े ब्राह्मण का रूप त्याग कर उसे अपने प्रत्यक्ष रूप का दर्शन करा दिया और कहा, वत्स, जिसका मन वाणी और अंतःकरण पवित्र है, जिसके अंदर परोपकार की भावना रहती है, जिसका हृदय
दया और करुणा से भरा हुआ है, जिसे गंगा स्नान के फल पर पूर्ण विश्वास है, उसे ही गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। वैसे तो लाखों करोड़ों लोग गंगा स्नान का भाव लेकर आते हैं, पर उनमें पवित्र मन और परोपकार की भावना किसी किसी में ही होती है। जिसका भाव यदि घर पर ही शुद्ध ना हो तो गंगा स्नान करने से भी कोई लाभ नहीं है। शुद्धता मन और विचारों में होनी चाहिए। शरीर की पवित्रता तो संसार का विषय है, ईश्वर का विषय तो आंतरिक भावनाएं हैं। जिसकी जैसी भावनाएं होती हैं शरीर से भी वो वैसा ही करता है। जिसका मन दुखी, पीड़ित, असहाय लोगों को देखकर ना रोया, उस पर ईश्वर कृपा कभी नहीं होती। पवित्र विचारों की गंगा में अपने आप को स्नान कराओ, तभी गंगा स्नान का वास्तविक फल प्राप्त होगा। गंगा स्नान और तीर्थों का फल ऐसे लोगों को भी प्राप्त नहीं होता है जो दूसरों का सहारा केवल स्वार्थ सिद्धि के लिए ही बनते हैं। जिनके हाथ सहायता के लिए उठते तो हैं, पर मन में स्वार्थ पूर्ति का सपना होता है। पार्वती जी कहने लगी, हे नाथ, आज मैं समझ गई कि संसार में भक्ति का दिखावा अधिक हो रहा है। वास्तविक भक्ति तो जगह बेजगह ही दिखती है, इसलिए संसार के लोग धन संपदा होने के बाद भी सुखी नहीं है। कारण है मन की अस्थिरता, विचारों का बिखराव, भावों की अशुद्धता। गंगा स्नान से उन्हीं भक्तों को पापों से निवृत्ति होती है जिनका मन पवित्र, शुद्ध और अंतरात्मा में परोपकार की भावना रहती है, और जिनसे भूल में, अनजाने में छोटे मोटे पाप होते रहते हैं। मित्रों, यदि इस वीडियो ने वास्तविक आपके दिल को छुआ हो तो आप वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल से जुड़ जाएं, जिससे कि आपको ज्ञान की नई नई वीडियो देखने को मिलती रहें।